ब्याज वाले कराई थी ना, अब कठे नहीं जा रही हो इससे वापस? कई है इसमें? भाभी साहब, हम तो रानी साहब के कहने पर एक हफ्ता उठाकर नहर के पीछे वाले हिस्से में ले जा रहे हैं। वो रानी साहब ने करने को कहा था, हम तो तभी कर रहे हैं। चोरी कर रही थी? नहीं नहीं बाबू साहब, नहीं, वो तो क्षमा करें, हम तो हमें नहीं पता था कि इसके गहने हैं। तो रानी साहब के कहने पर ये कट्टे उठाकर महल के पीछे वाले हिस्से में रख रहे। रानी साहब ने कहा था इसमें केवल प्याज है, हमें लगा प्याज के भंडार भरे जा रहे हैं। ध्रुव और तारा की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हां, इस बार तारा को महल में चोरी के लिए शक किया जा रहा है। दरअसल महल की दासी महल से सामान लेकर जा रही होती है, उसी वक्त दुर्गावती और सूर्य प्रताप से रोक देते हैं। दासी घबरा जाती है और सामान वही गिर जाता है। सूर्य प्रताप देखता है कि सामान के बीच में सोने की मुद्रा छुपाई हुई है। दुर्गावती के पूछने पर दासी उसे बताती है कि वो बेगुनाह है और ये सामान तारा ने उसे ले जाने के लिए कहा होता है। दुर्गावती शॉक हो जाती है कि आखिरकार तारा ऐसा कैसे कर सकती है। अब तारा खुद को इस मुश्किल से कैसे बचाएगी? एक्शन।